Hagao no Misiko, Sabin Honko, Sabinko, Johar, Namaskar. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज खूंटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। यह कार्यक्रम बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में हो रहा है। विशेष हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति रांची से खूंटी पहुंची। खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्र राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुका, केंद्र राज्य मंत्री शक्ति विशेश्वर टुडू, पद्मश्री करिया मुंडा, तोरपा विधायक कोचे मुंडा, खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा भी मौजूद हैं। सुरक्षा के यहाँ पर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम पहुँचने के बाद राष्ट्रपति ने SHG की ओर से तैयार की गई सामग्रियों का निरीक्षण किया। साथ ही एक एक कर स्टॉल पर जाकर उन्होंने तैयार की गई सामग्रियों की जानकारी ली। पवित्र धरती पर आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ। पिछले वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा भगवान मुंडा के गांव उलिहातू में जाना और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। खूंटी में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड ने उतनी तरक्की नहीं की जितनी करनी चाहिए, क्या वजह रही सोचना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के आदिवासी राज्य में महिलाओं की स्थिति और यहां से अपने जुड़ाव को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं के जीवन में सुधार, उनकी तरक्की देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। झारखंड राज्य को अलग हुए 22 साल हो गए, अधिकांश CM आदिवासी हुए, 28 से अधिक MLA आदिवासी हैं, फिर भी झारखंड को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतना नहीं हो सका। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं उड़ीसा से जरूर हूँ लेकिन मेरी रगों में झारखंड का खून बहता है। लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, सरकार 100 कदम चल रही है तो आपको भी 10 कदम बढ़ाना होगा। सरकार ही सब कुछ कर दे ऐसा नहीं होता है। उन्होंने अपनी कहानी बताने के दौरान कहा कि बचपन में हम वनोपज जमा करते थे, तब उसकी कीमत पता नहीं चलती थी। आज वही वनोपज को बाजार मिल रहा है या देख कर अच्छा लगता है। बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हुए कहा कि इतने कम उम्र में उनका देश को अमूल्य योगदान है, में उन्होंने कई चीज़ें दे रखी है जिसका अनुसरण करना है।